स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर सेशन इज़ से मॉल्ट्री थ्रेश होल्ड ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे एक स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन है कि इन टर्म्स ऑफ द वेरियस थ्रेश होल्ड जो हैं वो स्प्रेड है अक्रॉस द वेरियस इनकम टैक्स लॉ तो क्योंकि वो काफी स्प्रेड है अक्रॉस द इनकम टैक्स लॉ इस वजह से उनको ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है दैट इज द रीजन वाई स्टूडेंट्स दैट इज द रीजन वाई वी विल प्रिपेयर दिस एंटायर एक कंसोलिडेटेड इसका क्या करेंगे एक पूरा पिक्चर ले लेंगे और हर वो जो इंटरलिंक्ड तरीके से जो मॉडलि थ्रेश है वो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इस पर मैंने एक इंग्लिश की स्पेशल क्लास पहले से ले ली है तो बड़ा थाट कि क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आई एम जस्ट डूइंग दिस अगेन ऑन अ हिंदी पर्टिकुलर मैं इसको मैं करने जा रहा हूं ताकि इट जस्ट बेनिफिट्स टू ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग को एक काम करना होगा कि पेन और पेपर जो है प्लीज साथ में रखें यू विल हैव टू कीप दिस टुगेदर ताकि जो जो मैं आपको लिखवाता जाऊंगा वो सब चीज़ आपको नोट करते रहना है जो भी मैं लिखवाता जाऊंगा स्टूडेंट्स वो सब चीज़ मैं नोट करते रहना है आपने तो दैट इज़ वन थिंग विच इज बिन देयर तो शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट दिस स्टार्ट होता रहा हूं पहला पेपर रेडी रखे आप लोग इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स में तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पहला वाला कैटेगरी स्टूडेंट यहां पर दस ए सेकेंड स्टूडेंट्स एक मिनट स्टूडेंट सबसे पहले वाली कैटेगरी में दो करोड़ वाला कैटेगरी है कि कौन से प्रोविजन पे आपने दो करोड़ का अल्टीमेटली आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा तो टोटल चार कैटेगरी है जहां पे थ्रेशोल्ड होल्ड दो करोड़ का दिया गया है मैं सारे इंपॉर्टेंट एरिया सब कवर कर रहा हूँ इसके अंदर ध्यान रखना ऐसे कुछ हो सकता है कि छोटे मोटे पॉइंट यहाँ वहां होंगे उसे नहीं कंसिडर कर रहे जो कि काफी क्रिटिकल है वो सारी चीज को कंसोलिडेट हम लोग कर रहे हैं तो दो करोड़ को लेके अगर आप देखोगे ट्रेंड इसमें तो 44 एडी में अगर आप देखेंगे यहां तो पे प्रिजमटिव इनकम तो उसपे क्या कहा गया है कि अप टू द टर्न ओवर ऑफ रुपीज टू क्रोर्स ये बोला गया अप टू द टर्न ओवर ऑफ रुपीज टू क्रोर्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इन दी करंट प्रीवियस ईयर तो आपको प्रीवियस ईयर इक्कीस बाइस होगा इक्कीस बाईस होगा तो <coughs> so, अगर तो है तो फिर ये एप्लीकेबल हो जाता है देन अकॉर्डिंगली इट विल बी एप्लीकेबल तो अप टू अपर्न ओवर ऑफ रुपीज टू क्रोर्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू तब जाकर ही एप्लीकेबल होगा उसी तरीके से अगर आप देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेकंड पर्टिकुलर पार्ट है टोटल चार है ध्यान रखना जो सेकेंड पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे तो मैं ये वाले पढ़े हुई केस में ए लिख रहा हूं तो पहला ये दूसरा ये वो इक्वलाइजेशन लेवी के कॉन्टेक्स्ट में है स्टूडेंट्स याद करो इक्वलाइजेशन लेवी के केस में वहां पर एप्लीकेबिलिटी होगी अगर तो बताइए अगर तो टर्न कितना है दो करोड़ से ज्यादा या दो करोड़ एंड दो करोड़ से ज्यादा क्या बोला गया है 165 A के लिए स्टूडेंट्स दो करोड़ से ज्यादा होना चाहिए तब जाके इक्वलाइजेशन ए का एप्लीकेबल होगा या फिर लिए कह दिया जाए फॉर वन सिक्स और टू क्रोज अबाउ दो मिनिमम टू क्रोज बोला गया है तो मिनिमम टू क्रोज अगर है यहाँ पे तो इफ द टर्न ओवर इज मिनिमम टू क्रोज तो यहाँ पे टर्न ओवर जो होना चाहिए ग्रेटर टू तो यहां पर ये अप टू है और यहां पे मिनिमम वाला केस है मिनिमम टू करोड़ प्राइमरी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर और ये करंट फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफिकली दे रहा करंट फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर विच इज ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू आपके लिए देन इक्वलाइजेशन ले अप्लाई देन इक्वलाइजेशन ले अप्लाई क्यों ये करंट फाइनेंशियल ईयर पे एम्फोसिस दे रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि कुछ जगह पर है जहां पर करंट फाइनेंशियल ईयर के आधार पे क्राइटेरिया नहीं बनाई जाती है वहां पर क्राइटेरिया जो बनती है उसका मापदंड अलग रहता है और आप जानते हो स्टूडेंट्स वहां पर क्राइटेरिया जो जनरली लास्ट ईयर का वो जनरली बोलते हैं कि लास्ट ईयर के क्राइटेरिया के हिसाब से आप एलिजिबिलिटी लेकर आओ तो वहां पर भी कुछ प्रोविजन है और मेजरली वो प्रोविजन टीडीएस में है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि टीडीएस में अगर वो पेयर है उसे टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना है उसके लिए आप लास्ट ईयर का टर्न की क्राइटेरिया देखते हो वो एक हो गया और फिर एक प्रोविजन डोमेस्टिक कंपनी के लिए है आपको पता होगा लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब कि अगर आप प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस की बात कर रहे हो तो लास्ट टू लास्ट ईयर आपका क्या हो जाएगा प्रीवियस ईयर उन्नीस बीस प्रीवियस ईयर उन्नीस बीस तो वो प्रीवियस ईयर में टर्न ओवर वहां पर फोर हंड्रेड लैक्स का ये, ये चार सौ करोड़ की बात कही गई है तो चार सौ करोड़ के तक अगर चार सौ करोड़ तक अगर आपका टर्न ओवर है तो फिर करंट मतलब कि प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस में डोमेस्टिक कंपनी का जो नॉर्मल टैक्स रेट है वो पच्चीस परसेंट मारा जाएगा तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को भी सावधानी से लेना कि भाई ये जो थ्रेश जो लिया जा रहा है वो करंट ईयर का या पिछले साल का तो ऐसा थर्म रूल पकड़ के चलना स्टूडेंट्स जनरली तो करंट ईयर के ही होंगे सब जगह पे लेकिन टीडीएस वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जो थ्रेश जैसे कि इंडिविजुअल इंडिव्यूजल एच 194M वहां पर उन्हें टीडीएस जब करना है या नहीं करना है इंडिविजुअल एचयूए को वो डिपेंड करेगा कि उनका लास्ट ईयर का बिजनेस का टर्न कितना था और प्रोफेशन का टर्न कितना था उसके बेसिस पे तय किया जाएगा कि करंट ईयर में वो जो पेमेंट उन सेक्शन के अंदर वो कर रहे हैं उनपे

Where the penalty proceedings has been initiated under section two hundred seventy one double then the property of the SSE, then the property of the SSE. May be attached provisionally if the penalty amount under section two seventy one double Is likely to exceed रुपीस तू तो ये वाला है आपको फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में ये वाल में टू सेवेंटी वन डबल एडी किस पेनाल्टी की बात हो रही है स्टूडेंट पता होना चाहिए आप लोगों को एज तो पर टू सेवेंटी वन डबल एडी स्टूडेंट वॉट डज इट से बिल्कुल सही ये 271 के अंदर आपको पता होगा कि फॉल्स एंट्री अगर आपने अपने बुक्स में करवाई है, तो फॉल्स एंट्री अगर आप अपने बुक्स में करोगे तो फिर उस पर्टिकुलर केस में पेनाल्टी टू सेवेंटी वन डबल ए डी का आ जाएगा उस फॉल्स एंट्री में कुछ उन्होंने सिचुएशंस भी दे रखे हैं आपको जिसको फॉल्स एंट्री माना जाएगा जैसे कि मालूम है इनवॉइस आपने लिया है बिना बिना रिसीव बिना गुड्स और सर्विसेज को रिसीव किए सो विदाउट द एक्चुअल रिसीट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यू द एंट्री ऑन द बेसिस एंट्री का केस माना जाएगा वो भी एक फॉल्स एंट्री का केस स्टूडेंट्स माना जाएगा Isn't it? तो ऐसे सिचुएशन में पेनाल्टी टू सेवेंटी वन डबल ए डी में एस पे लगेगा और पेनाल्टी की अमाउंट कितनी होगी स्टूडेंट्स दी पेनाल्टी की अमाउंट होगी इक्वल टू इक्वल टू दी फॉल्स एंट्री की में दो लोग अटकते हैं एक तो खुद अटकेगा अटके जिसके बुक्स में ये फॉल्स एंट्री हुई है <coughs> और दूसरा वो जिसने ये फॉल्स एंट्री उसको करवाया है मदद किया तो जिसने इस फॉल्स एंट्री उसे करने में इसको मदद जो इसने दिया है उसको भी 271 एएडी में पेनल्टी लगेगी तो अब एज़ पर दिस अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021 जिन पे 271 एएडी की पेनल्टी इनिशिएट हो चुकी है उन पे उन पे ये पर्टिकुलर पेनल्टी 271 एएडी का लगवा दिया जाएगा स्टूडेंट्स उन पे यह पेनल्टी 271 एएडी का लगवा दिया जाएगा सॉरी सॉरी जिन पे पेनाल्टी अंडर सेक्शन टू सेवन डबल ए डी हो चुका है उन पे उनकी प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच की जा सकती है अगर तो ये अंदाज लगाया जा रहा है क्या अंदाज लगाया जा रहा है कि इस इनकी पेनल्टी टू सेवेंटी वन डबल ए में मोर देन रुपीज टू क्रोज होने वाली है मोर देन रुपीज टू क्रोज होने वाली है दैट इज अ पॉइंट और अब स्टूडेंट्स जो लास्ट वाला जो दो करोड़ का जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के अंदर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ये आपको पता होगा आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से इन द केस ऑफ द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट बताइए क्या ये बोला गया है स्टूडेंट्स ये चीज बोली गई है इन दी एस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की क्या बोला गया चीज बोली गई है स्टूडेंट्स की अभी आपको पता है कि आप अगर नॉन का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो उस बिजनेस कनेक्शन की वजह से उसकी इनकम डीम टू अक्रूवराइज इन इंडिया होनी मानी जाती है अब तक जनरली ये देखा गया था कि बिजनेस कनेक्शन को हम फिजिकल प्रेजेंस से जोड़ के देखते थे कि अगर उसका अपना खुद का फिजिकल प्रेजेंस है उस इंडिया में तो माना जाएगा कि उसका क्या है बिजनेस कनेक्शन है लेकिन अब बिना फिजिकल प्रेजेंस किए भी, भी वजह से अब एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस तो अब इस कंसेप्ट के द्वारा यह माना जाएगा कि एक नॉन रेसिडेंट का अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में

उसकी वो इनकम इंडिया में डीम टू अक्रू मान लिया जाएगा तो सिग्नि क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस तो ये चौथा पार्ट है स्टूडेंट जो एस को उन्होंने थ्रेशोल्ड दिया हुआ है तो एस प्राइमरी इन दिस कॉन्टेक्सट का थ्रेशोल्ड लेवल क्या है तो थ्रेशोल्ड जो दिया है एस का ये है कब माना जाएगा कि इंडिया में उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो अगर तो दो चीजें हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तो गुड्स एंड को लेके, एक तो गुड्स एंड को लेके बातें की जा रही है और गुड्स एंड को लेके बताइए क्या ये बोला गया फूडेंट कि एग्रीगेट पेमेंट एक एक काम करो फ्रेंड्स, ठीक से एक बोल रहेगा In respect of goods and services, goods and services provided by a non resident. एनी पर्सन इन इंडिया टू एनी पर्सन इन इंडिया और दूसरा केस है इंटरेक्शन विथ यूजर्स इन इंडिया इंट्रैक्शन विथ यूजर्स इन इंडिया तो अगर पहले वाली कैटेगरी को देख लो आप स्टूडेंट तो यहां पर एग्रिगेटिव पेमेंट होगा अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन

इंडिया के काफी सब्सक्राइबरों ने डाउनलोड कर रखा है तो कितने लोग होने चाहिए मिनिमम सो यहां पे उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ यूजर्स इन इंडिया शुड बी ग्रेटर देन और टू रुपीज थ्री लैक्स शुड बी ग्रेटर देन और नंबर ऑफ यूजर्स इन इंडिया शुड बी ग्रेटर देनॉडे रुपीज थ्री लैक्स तो ये होगा थ्रेश इस चीज़ का तो यहाँ पर दो चीजें दी जा रही हैं पहले केस में ये बोला गया है स्टूडेंट कि इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई अ नॉन रेसिडेंट टू एनी पर्सन इन इंडिया टू एनी पर्सन इन इंडिया उनको गुड्स एंड सर्विस दिया रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखना कि फिर इंडिया वाले जो ये गुड्स एंड सर्विसेज नॉन रेसिडेंट से ले रहे हैं इंडिया वाले जो हैं ये उस नॉन रेसिडेंट को जो टोटल पेमेंट एक जन का पेमेंट नहीं है सारे लोगों का पेमेंट क्या उससे मोर देन टू करोड इंडिया से मिला है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर तो मिला है तो येस उसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मानी जाएगी दूसरे केस में मैंने क्या बोला है स्टूडेंट्स कि मान के चलो कि बोल आज का ज़माना है कि ऐप डाउनलोड कर लो तो ऐसे केस में अगर वो नॉन रेसिडेंट के आ, का जो ऐप है वो इंडिया के जो यूजर्स हैं उन्होंने डाउनलोड किया है ऐसे कितने यूजर्स इंडिया के हैं मोर देन थ्री लाख एट लीस्ट थ्री लैक्स तो एटलीस्ट थ्री लैक्स है तो फिर वो सिचुएशन में स्टूडेंट्स या तो यूजर वाले क्राइटेरिया के आधार पे या फिर पेमेंट वाले क्राइटेरिया के आधार पे उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में

अब आप देखो ना कितना कंफ्यूजन बनता है इक्वलाइजेशन लेवी 165 ए का मिनिमम टू करोड़ का टर्नओवर है तो इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाता है और बाकी केस में अगर आप 281 एटी बी देखोगे तो वो कहता है एक्सीडिंग रुपीज टू करोर उसी तरीके से ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रजेंस का कंसेप्ट में भी एक्सीडिंग रुपीज टू करोर ये है तो ये सारे सिचुएशन एग्जामिनेशन में बहुत डरावने रूप ले लेते हैं एंड दैट एग्जैक्टली इज अंट अब यहाँ पे और दूसरे जो करंट ईयर के थ्रेश होल्ड है वो देख लेते हैं इसके अलावा ये तो मैंने दो करोड़ का थ्रेश होल्ड लिया और पॉइंट नंबर बी लिखो तुरंत पॉइंट नंबर बी अदर करंट थ्रेश होल्ड स्टूडेंट <coughs> वो अगर देखा जाए तो देखते हैं क्या क्या है। उसमें स्टूडेंट्स रेसिडेंशियल स्टेटस एनाटे में ध्यान रखना अगर आप देखोगे रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर रेसिडेंसल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल रेसिडेंस स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल तो इस चीज को पहले ही कॉपी कर लेना स्टूडेंट्स तो अगर रेसिडेंसल स्टेटस की बात करो जानते हो जो अमेंडमेंट आया है उसके अंदर लास्ट का अमेंडमेंट याद करो टोटल इनकम अदर देन अदर देन जो टोटल इनकम होना चाहिए अदर देन द इनकम फ्रॉम सोर्स फ्रॉम फॉरेन सोर्स वो में वो 120 दिन का क्राइटेरिया दिया गया है 120 दिन का क्राइटेरिया दिया गया और एक सेक्शन सिक्स वन ए है Where he is not liable to pay tax, he is not sorry. He is not liable to tax in the other country, and his total income, other than the income from foreign source, kitna More than or equal to, ya greater than, more than or equal to, ya greater than, greater than rupees fifteen lakhs. So from foreign source is greater than Prudence, rupees fifteen lakhs. सेकेंड पॉइंट में अगर आप देखोगे सेकेंड पॉइंट आपका पोएम का टेस्ट है पोएम का टेस्ट है और उस पोएम के टेस्ट में आप देखोगे खुद वहां पर पोएम में ये बहुत मजेदार चीज है पैसिव इनकम जो होगा आपका तो कब आप कब फॉरेन कंपनी का पोएम इंडिया में नहीं माना जाएगा जब वो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट सेटिस्फाई करेगा एक्टिव बिजनेस का मतलब क्या है एक्टिव बिजनेस का मतलब है कि उसकी जो पैसिव इनकम जो होनी चाहिए शुड बी लेस देन 50 परसेंट क्या लेस देन बोला गया नहीं ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू ये है सो अप टू 50 परसेंट तक ऑफ ऑफ द टोटल इनकम तो अगर उसकी पैसिव इनकम है तो वो उसकी बिजनेस एक्टिव मानी जाएगी उसकी बिजनेस एक्टिव मानी जाएगी तो पैसिव इनकम इफ इट इज अप टू ऑफ द टोटल इनकम देन इट्स बिजनेस वुड बी बी टू एक्टिव और जो दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स वो एसेट एसेट टेस्ट से याद करो आउटसाइड इंडिया के लिए क्या देखा जाएगा एसेट टेस्ट उसमें इंडिया में उसके एसेट कितने हैं एम्प्लॉय प्रेजेंस देखी जाएगी और उन एम्प्लॉय को पेरोल कितना दिया जा रहा है तो आउटसाइड इंडिया का पलटा भारी रखने के लिए ये जो एसेट इंडिया में एम्प्लॉय इंडिया में और उनके पेरोल जो इंडिया में पे किए जा रहे हैं कितना होना चाहिए दिस इज लेस देन देख रहे हो श्रोत यहाँ पे लेस देन का डाल दिया करा दियास देनिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल तो ये सिचुएशन यहां पर आ गया है तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना श्रोत इस कॉन्टेक्स्ट में तीसरा है आपका इनडायरेक्ट ट्रांसफर इनडायरेक्ट ट्रांसफर में भी ये दुविधा बनी रहती है और इनडायरेक्ट ट्रांसफर में आपके पास स्टूडेंट्स ये सब्सटानशियल एक फॉरेन कंपनी का अगर किसी इंडियन एसेट में इफ देर इजियल क्या है Substant, उसकी वैल्यू वैल्यू उस फॉरेन कंपनी को अपनी मिल रही है फ्रॉम द इंडियन एसेट अगर उस फॉरेन कंपनी को प्राइमरी अपनी अपनी खुद की वैल्यू सब्सटानशली मिल रही है फ्रॉम द इंडियन एसेट देन द शेयर्स ऑफ दैट फॉरेन कंपनी इज डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया तो सबस्टांशल टेस्ट की बात करें स्टूडेंट्स तो क्या देखा जाता है कि एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट वो डेट में दो डेट्स के बीच में कंपैरिजन हम लोग करते हैं डेट ऑफ ट्रांसफर एंड द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रसिडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर तो अगर जो स्पेसिफाइड डेट इन दोनों के बीच में बनेगा उस स्पेसिफाइड डेट में आपको क्या देखना है कि कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट पॉडिकुलर पॉइंट इज अबाउट दैट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंडियन एसेट इंडियन एसेट की अपनी फेयर मार्केट वैल्यू स्टूडेंट्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंडियन एसेट स्टूडेंट्स शुड बी ग्रेटर देन करोड़ शुड बी ग्रेटर देन करोड़ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंडियन एसेट स्टूडेंट्स शुड बी ग्रेटर देन टेन करोड़ ये पहला पॉइंट है और जहां तक दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो वहां पर स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है ये बोला गया कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंडियन एसेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंडियन एसेट क्या होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम स्टूडेंट्स ये होना चाहिए फिफ्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉरेन कंट्री फॉरिन कंपनी तो एक तो एब्सोल्यूट नंबर में इंडियन इन्वेस्टमेंट का फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन टेन करोड़ होना चाहिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू पे है और रिलेटिव वैल्यू पे देखा जाए रिलेटिव परसेंटेज पे देखा जाए तो जो इंडियन एसेट का जो वैल्यू है उसका योगदान उसका योगदान ऑन दी टोटल एसेट बताइए कितना होना चाहिए मिनिमम फिफ्टी होना चाहिए जो इंडियन एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन दी टोटल टोटल

जिन्हें इनडायरेक्ट ट्रांसफर का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है तो वो कौन है स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर इज़ नॉट एप्लीकेबल तो वो अप टू ये है तो इसका मतलब कि लेस देन और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू फाइव परसेंट ऑफ द वोटिंग पावर इन दैट फॉरेन कंपनी इन द फॉरेन कंपनी तो अगर किसी शेयर होल्डर का उस फॉरेन कंपनी किसकी बात हो रही है जिसका जिसकी वैल्यू उस फॉरेन कंपनी जिसकी वैल्यू सब्सटैंशली आ रही है फ्रॉम द इंडियन जिसकी वजह से उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स की लोकेशन इंडिया में मानी जा रही है तो अगर उस फॉरेन कंपनी के कोई शेयर होल्डर होंगे अगर कोई उस फॉरेन कंपनी के शेयर होल्डर होंगे स्टूडेंट्स और उनकी वोटिंग पावर उस फॉरेन कंपनी के अंदर पांच परसेंट से ज्यादा नहीं है तो क्या ऐसे शेयर होल्डर जो उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स को बेचेंगे तो उनपे कहा जाएगा तो क्या ये कहा जाएगा द इनकम इज डीम टू राइज इन ऑफ दैट माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन दो एन नो स्टूडेंट तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है तो लेना है वो सारे एक करोड़ वाले थ्रेश तो वन करोड़ वाली जो थ्रेश होल्ड स्टूडेंट वो एक बार जल्दी से देखेंगे कि एक करोड़ का थ्रेश होल्ड कहाँ है तो आइए स्टूडेंट सबसे पहला ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में आ जाइए जहां पे आपको ये एक करोड़ का थ्रेश दिया जा रहा है तो ट्रांसफर प्राइस में स्टूडेंट ट्रांसफर प्राइस के अंदर तीन जगह है। पे करोड़ का थ्रेश होल्ड माना जा रहा है और वो तीन जगह कौन से होंगे स्टूडेंट ये चीज आप लोग ध्यान में रखना तो पहला तो आपका ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट के लिए है। सेकेंडरी के कॉन्टेक्स में तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब अप्लाई किया जाता है तो वो सेकेंडरी एडजस्टमेंट अप्लाई किया जाएगा अगर तो प्राइमरी एडजस्टमेंट जो है इफ प्राइमरी प्राइमरी जो है इट शुड बी ग्रेटर देन वन करोर याद है ना आपको अगर डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर प्राइस एंड दर्म स्ट्रेंड प्राइस अगर मोर देन वन करोड़ है तब जाके ही हम सेकेंडरी

आखिरी में स्टूडेंट्स 92 डी में डॉक्यूमेंटेशन की बात कही गई है ठीक है डॉक्यूमेंटेशन की बात कही गई है तो आपको जो कि लोकल फाइल है, आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कब करना पड़ेगा तो लॉ कहता है कि अगर तो डूरिंग द प्रीवियस ईयर जो एग्रीगेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की वैल्यू जो है इफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो वैल्यू है वो मोर देन रुपीज कितना होना चाहिए वन करोर तब जाके ही तब जाकर ही डॉक्यूमेंटेशन क्या है मेंटेन की जाएगी तब जाकर ही स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन की जाएगी एंड दैट इज व्हाट दे आर सजेस्टिंग इन दिस कॉन्टेक्स तो यहां पर स्टूडेंट्स नाइनटी टू डी में डॉक्यूमेंटेशन एज ए लोकल फाइल तो क्या बोला गया वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन दी वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज ग्रेटर देन रुपीज वन करोड़ ग्रेटर देन रूपीज वन करोड़ लेकिन लेकिन क्या फ्रेंड्स लेकिन यह भी सत्य है स्टूडेंट्स कि एक अमेंडमेंट आया था लास्ट ईयर में जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और आईसीआई ने उस पर एक एम भी पूछ रखा है क्या है वो अमेंडमेंट पहले ध्यान से सुनिएगा अमेंडमेंट के मुताबिक कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी अगर होगी इंडिया में ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी अगर होगी ऑफ द इंटरनेशनल ग्रुप तो उन कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी के लिए हम ये नहीं देखेंगे क्या नहीं देखा जाएगा फ्रेंड्स

कोई भी उसने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर नहीं भी किया होगा अगर नहीं भी किया होगा क्या तब भी उनपे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगी एंड द आंसर इज यस बाय द वे इस जिसका मैं बात कर रहा हूँ उसकी एग्जांपल है आपका कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हम मान सकते हैं एज दी कॉन्स्टिट्यूशन एंटिटी क्या उसे माना जा सकता है एज अ कॉन्स्टिट्यूट एंटिटी ऑफ द इंटरनेशनल ग्रुप बिल्कुल बिल्कुल तो एक नोट यहाँ पे मैं डिक्टेट कर देता हूँ यहाँ पे आप लोग बस एक नोट लिख देना देनाट कर दे रहा हूं आप लोग बस एक नोट लिख दो हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट एंटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट एंटिटी अंडर सेक्शन 92 डी अंडर सेक्शन 92 डी So under constituent entity of an international group is considered However, in, in respect of the constituent entity of the international group, comma the documentation the documentation under section ninety two D under section ninety two D will be required to be maintained will be required to be maintained irrespective of irrespective of whether during the previous year whether during the previous year any international transaction एनी तो so, ये है पॉइंट इस कॉन्टेक्स्ट में छुड़ इसके बाद जो एक करोड़ के थ्रेशोल्ड में जो दिया गया है उसमें आर की फाइलिंग मैंडेटरी में आपको पता होना चाहिए आर ओ फाइलिंग मैंडेटरी अगर तो आपने क्या किया है आपने डिपॉजिट करंट अकाउंट में जो है स्टूडेंट्स करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया होगा कितने का स्टूडेंट्स डिपॉजिट किया है आपने ऑफ इन एक्सेस ऑफ रुपीज वन करोड़ प्लीज नोट करके चलना स्टूडेंट्स ये जो ये पॉइंट के द्वारा नॉन रेसिडेंट पे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा

तो अगर मैं सिर्फ 194n तक ही सोचू इस बार तो वहां पर आपको पता है कि विड्रॉवल्स पे क्या हो जाएगा बैंक टी डी करेगा और वहां पर जो विड्रोवल्स है जो आपको करना होगा जिस पे बैंक टी डी करेगा वो भी क्या विड्रोवल करंट अकाउंट से ही देखना होगा या कोई भी अकाउंट से विड्रॉ करोगे एंड दैट टोटल द एक्सल अमाउंट तो उस केस में अल्टीमेटली एप्लीकेबल होगा फॉर स्टूडेंट्स वहां पर विड ड्रॉल आपने चाहे करंट अकाउंट से किया हो या फिर सेविंग बैंक अकाउंट से किया हो विच इज में स्टूडेंट विच इज में विच इज में बैंक तो अब यहां पर स्टूडेंट तो ये आर ओ आई वाला ही है तो वन नाइनटी फोर एन केस में कोई भी वाला सिचुएशन कवर हो जाता है एन के केस में यहां पर सिर्फ करंट अकाउंट में अगर डिपॉजिट हुआ है तो वो ही देखा जाएगा एंड इफ इट इज इन एक्सेस ऑफ करोड़ देन ओनली दिस पॉइंट वुड बी कंसिडर्ड तो यहां पर लिख देना वन फोर एन वन फोर एन का देख लो यहां पे विड्रॉल फ्रॉम Any account any account any account kept kept with the bank. विड ड्रॉ फ्राम एनी अकाउंट कैप्ट विद बैंक इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ वन करोड़ डोरिंग द प्रीवियस ईयर मैं वो डिफ़ॉल्ट का नहीं लेके जा रहा हूँ लास्ट तीन साल का आर का जो डिफ़ॉल्ट है बस इतना बस वो वन करोड़ के लिए करने के लिए बस इतना काफ़ी है इज दट क्लियर टू ऑल ऑफ इंश्योरेंस टी की रेट आपको पता है दो परसेंट की लगती है यहाँ पे दो परसेंट की टी डी एस रहेगी इन एक्सेस ऑफ वन करोड़ ठीक है अब स्टूडेंट्स आइए दूसरा पॉइंट नंबर डी लिखो और उसमें रुपीस टू लाख का थ्रेशोल्ड आप लोगों को कहां कहां पे मिल रहा है स्टूडेंट्स ये देखना है आप रुपीस रुपीज टू लाख का जो थ्रेशोल्ड है स्टूडेंट्स ये देखना है आप सभी लोगों ने यहां पर स्टूडेंस अगर आप देखोगे तो तीन जगह पर यह चीज आपको देखने मिल रही है तीन जगह पर ये आपको देखने मिल रही है और वो तीन जगह कौन सा है लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका है एक तो पेनाल्टी टू सिक्सटी एस का टू सिक्सटी एस की पेनाल्टी और यहां पे क्या देखा था फ्रेंड्स कंसेडेशन रिसीव जो होना चाहिए शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट शुड्स रुपीज टू लैक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रुपीज टू लैक्स तो पेनाल्टी कितनी की बनेगी यहां पे? पेनाल्टी कितनी की बनेगी यहां पे सुन इन्वेस्टिगेशन के सॉरी सो रिसिव याद है ना यहां पे? पेनाल्टी होगा कंसिडरेशन तो रिसीव्ड, चाहे जो भी कंसिडरेशन आपको मिला रहेगा उस पूरे कंसीडरेशन पे वो पूरे कंसिडरेशन पे वो पेनाल्टी आप पे लगाया जाएगा ऑन द एंटायर कंसिडरेशन दैट द देनॉटी वुड बी इंपोज ऑन यू स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर ठीक है अच्छा दूसरा है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट नंबर बी फिर से आर जिसमें क्राइटेरिया है फॉरन ट्रावल एक्सपेंसिस का याद है आपको फॉरन ट्रावल एक्सपेंसिस स्टूडेंट जो है दैट शुड एक्सीड रुपीज दैट शुड एक्सीड रुपीज टू लैक्स तो फिर उस केस में

और ये ने दो या तीन अटेम पहले की आर में इसको रखा था इस वजह से थोड़ा केयरफुल रहिएगा अगर तो स्टूडेंट्स मुझे कंसिडरेशन कैश में मिला है मुझे कंसिडरेशन कैश में एक्सेस ऑफ रुपीज टू लैक्स इन एक्सेस ऑफ रूपीज टू लैक्स कंसिडरेशन मुझको कैश में मिला है स्टूडेंट्स इन एक्सेस ऑफ रुपीज टू लैक्स तो उस केस में कंसिडरेशन किसके लिए मिला फॉर द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज उसके लिए मुझे कंसिडरेशन दिया गया तो यहां पर बोला गया है कि पेनाल्टी नॉट बी लेस देन पे सॉरी यहाँ पे एआईआर जो फाइल करने की ऑब्लिगेशन है वो किसको होगी ये उसे ही ए फाइल करने की ऑब्लिगेशन होगी स्टूडेंट जिसका टर्न जिस सॉरी जिसने कैश में कंसिडरेशन को रिसीव किया 2 lakhs, तो ये भी है क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ विच द ए आई आर विक्वायर टू बी फाइल ये भी क्राइटेरिया है ए आर विवाय टू बी फाइल इन दिस रिगार्ड तो यहां पर स्टूडेंट्स आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे थर्ड वन कैश रिसीट विच इज ग्रेटर दैन वॉट ग्रेटर टू लैक्स कैश रिसीट इज ग्रेटर टू लैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्सर्विसेस सेल ऑफ़ गुड्स सर्विसेज। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ए आर इज टू तो बी फाइल ऐसे केस में स्टूडेंट्स ए आर क्या आपको फाइल करना पड़ेगा बिल्कुल तो बिल्कुल आप सभी लोगों ने ये ए आर फाइल करना होगा अब आ जाइए स्टूडेंट्स जो अगला कैटेगरी है वो वन लाख का थ्रेश के कॉन्टेक्ट में बात होगी वन लाख की थ्रेश की बात होगी फ्रेंड्स। द तो नेक्स्ट वन रूपीज वन लाख थ्रेश और ये जो एक लाख का थ्रेश है उस पर फोकस करें आप लोग एंड दट इज वॉट स्टूडें उसपे ये मिलेगा दट एक्सेस यहां पर स्टूडेंट द्रेटर ये पहले लिख दो काम पर इसको लिख दो पहले वन सिक्सटी फाइव इकोलाइजेशन ने भी तो उसमें क्या लिखा गया स्टूडेंट की अगर कंसिडरेशन डॉट चार्ज अगर आपने जो कंसिडरेशन जो ट्रांजैक्शन में ऑफ जो स्पेसिफाइड जो सर्विसेज दिए गए हैं उसके लिए नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट स्टूडेंट हैज़ नॉट चार्ज द ट्रांजैक्शन वैल्यू इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ वन करोड़ इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ वन करोड़ स्टूडेंट्स तो उस केस में इक्वलाइजेशन ले भी सेक्शन वन का एप्लीकेबल नहीं होगा उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा स्टूडेंट्स तो वन में कंफिडरेशन अब टू रुपीज वन लैख इक्वलाइजेशन लेवी नॉट एप्लीकेबल जो इक्वलाइजेशन लेवी है स्टूडेंट्स वो एप्लीकेबल नहीं होगा बी वेरी केयरफुल ऑन दैट इट दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सारे स्टूडेंट और दूसरा अगर आप यहां देखोगे ग्रेटर देन रुपीज वन लाख ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है एक लाख की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन स्टूडेंट याद आ रहा है तो एक लाख से ऊपर की इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे हैं चाहे वो घर के बिल हो या ऑफिस के बिल हो तो एक लाख के ऊपर स्टूडेंट क्या है ये बिल आ रहा है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा आर वाई मैंडेटरी हो जाएगी आर वाई मैंडेटरी हो जाएगी इट दैट इज हाउ द थिंग्स टू बी लुक्ड लुकडअबॉन आर वाई स्टूडेंट्स मैंडेटरी हो जाएगी ये चीज आपको ध्यान रखना है नाउ स्टूडेंट इन दिस सिनेरियो पॉइंट नंबर एफ लिखिए नंबर एफ ये वाला केस है फ्रेंड्स लास्ट थ्री इयर्स की जो डेटा है पॉइंट नंबर एफ में डेटा ऑफ लास्ट थ्री लेते लिए जाते हैं डेटा ऑफ लास्ट थ्री इयर्स लिए जाते हैं तो उसके लिए प्लीज़ केयरफुल रहिएगा और ये थोड़ा इसमें मैं आपको अमेंडमेंट भी बता दे रहा हूँ जस्ट अ सेकेंड फो दट तो तुरंत एक चीज नोटिस करना आप लोग में ये आपको बोला गया है मालूम है ऑल द थ्री प्रीवियस ईयर लास्ट के लास्ट लास्ट के के स्टूडेंट्स तीन प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर तीनों ही प्रीवियस ईयर में जो पे जो कैश विद्रॉ अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है फ्रॉम बैंक अकाउंट उसने पूरे ही तीनों साल में उसने आर फाइल नहीं किए आर फाइल नहीं किए स्टूडेंट्स तो क्या होगा वो डिफ़ॉल्टर माना जाएगा देन इन दैट पर्टिकुलर पर्टिक स्टूडेंट्स विल ही बिकम द डिफॉल्टर क्या उसे स्टूडेंट्स डिफॉल्टर माना जाएगा या नहीं जल्दी से बताइए बिल्कुल और अब उसके लिए जो टी होगा ऑन द मनी विड्रॉन तो वो टी होगा ऑन मनी विड्रॉन एट द रेट ऑफ टू परसेंट इन एक्सेस ऑफ ट्वेंटी लैक्स अपड्रेड लैक्स and more than 100 lakhs which is 1 crore more than 100 lakhs which is 1 crore the tds that will be required to be deducted by the bank the tds that will be required to be deducted by the bank students बताइए कितना होगा बिल्कुल सही tds that will be required to be deducted by the bank students would be rupees would be in this context would be at the rate of 2% up to 1 crore or 1 crore ke upar hoga students would be 5% would be 5%

वहां पे आर की जो डिफॉल्ट की बात की जा रही है वो लास्ट तीन साल की नहीं लास्ट दो साल में उसने कोई भी अपनी आर किए किससे पे नहीं किया है किसने फाइल नहीं किया है ने कोई भी आर फाइल नहीं किया है इन दिस केस लास्ट दो साल से एंड दूसरा और एक कंडीशन है एंड द टी या एडवांस टैक्स जो पे किया होगा या टी जो डिडक्ट हुआ होगा इन दिस कॉन्टेक्सट कितना होना चाहिए फॉर ईच ऑफ द टू ईयर मिनिमम कितना होना चाहिए फॉर ईच ऑफ द टू ईयर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तो अगर तो उसका टी डी एस जो डिडक्ट किया गया है वो है मिनिमम ऑफ इन दिस कॉन्टेक्सट मिनिमम ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड तो फिर ऐसे केस में जो ये नया प्रोविजन है टू जीरो सिक्स ए बी का जो ये नया प्रोविजन है सेक्शन टू जीरो सिक्स ए बी का तो क्या एप्लीकेबल हो जाएगा क्या वो एप्लीकेबल हो जाएगा द आंसर इज यस दैट विल बी एप्लीकेबल इन दिस रिगार्ड तो स्टूडेंट्स ये भी पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग को केयरफुली नेगोशिएट करना है एंड देरफोर डेट ऑफ द लास्ट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे आप लोग लास्ट थ्री इयर्स लास्ट थ्री इयर्स में स्टूडेंट्स इस पे तीन केस है और यहां पे लास्ट टू ईयर्स का दुआ में है जो मेन पॉइंट है यहां पे एक चीज दे देखो यहां पे Filed No ROI filed for all No ROIs filed for all three preceding No ROI filed for all three preceding previous year. रेट ऑफ टी का और वो अमाउंट का अल्टीमेटली वह वो लिखने की जो जरूरत है समझ तो आपको पता ही है और दूसरे केस में जो और एक अल्टीमेटली लिखना है, है फोर्टी फोर डबल आपको ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना एम में पूछ रखा हुआ है ये चीज़ और फोर्टी फोर डबल है, की, बात हो रही है, of of की बात हो रही है तो वहां पर आपको क्या मिलेगा उस पे स्पेसिफाइड प्रोफेशन एक है स्पेसिफाइड प्रोफेशन है इसके अंदर जिसका ग्रॉस रिसीट स्टूडेंट्स शुड बी मोर देन रुपीस, वन पॉइंट फाइव लैक्स ग्रॉस रिसीट शुड बी मोर देन रुपीज वन पॉइंट फाइव लैक्स इन इन ऑल थ्री इस इन ऑल द थ्री इंट इमीजिएटली ग्रॉस स्ट्रीट शुड बी ग्रेटर देन तो ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन वालों के लिए स्टूडेंट्स ग्रॉस स्ट्रीट डेढ़ लाख से ऊपर जाना चाहिए इन ऑल द थ्री इमीजिएटली प्रोसीडिंग द प्रीवियस ईयर इमीजिएटली प्रोसीडिंग द प्रीवियस ईयर और दूसरे केस में अगर आप देखोगे तो ये नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन एंड ऑल द बिजनेस सारे बिजनेस के लिए नॉन-स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए लिए अब इनके लिए देखो, क्या होगा इनके लिए दो क्राइटेरिया दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करें गेम बन जाएगी इनकम वाली क्राइटेरिया इन दिस कॉन्टेक्स्ट और दूसरा है टर्न वाली क्राइटेरिया जहां तक इनकम वाली क्राइटेरिया <laughs> इनकम वाली क्राइटेरिया वो क्या कहता है इन एनी स्टूडेंट थ्री प्रीवियस ईयर प्रीवियस करंट ईयर एनी थ्री प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स उसमें अगर वो ऊपर उसमें अगर वो क्या हो रहा है इफ यू इज एन इंडिविजुअल या एच यू एफ के केस में इट इज एन इंडिविजुअल एन एच यू एफ या अदर की केस पे तो ऐसे केस में स्टूडेंट क्या होगा तो अगर इनकम अगर है कोई भी एक साल आउट ऑफ द थ्री इयर्स कोई भी एक साल आउट ऑफ द थ्री इयर्स किसका इंडिविजुअल अचीव का कितना ढाई लाख का उनके लिए ढाई लाख का थ्रेशोल्ड रखा गया और बाकियों के लिए 1.2 लाख बाकियों के लिए 1.2 लाख ऑफ रूल्स तो ऐसे केस में क्या फिर इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाएगा द आंसर इज यस ये हम बाय द वे किसकी बात कर रहे हैं नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन या फिर सारे बिजनेस वालों के लिए बुक्स मेंटेन करने का इनकम वाली क्राइटेरिया ये होगी कि लास्ट 3 इयर्स में से कोई भी एक साल ऑल नहीं कोई भी एक साल इनकम उनकी अगर आप इंडिविजुअल एच हो तो कितना होना चाहिए टू एंड हाफ लैक्स और अबाउ और अगर आप अदर देन इंडिविजुअल एच हो तो फिर आपका इनकम जो देखना चाहिए वो होना चाहिए वन पॉइंट टू लैक्स और अबाउ दूसरा जो होगा फ्रोस यहाँ पे टर्न ओवर क्राइटेरिया सेम वही है इन एनी थ्री प्रीवियस ईयर अब इनके कॉन्टेक्ट में अगर आप इंडिविजुअल एच हो तो या तो आप तो क्या हो जाएगा या तो टर्न ओवर ऑफ की पच्चीस लाख की है टर्न ओवर ऑफ की पच्चीस लाख की है और अगर ये अदर्स रहेगा तो टर्न ओवर ऑफ की दस लाख की है सो हियर इन दिस कॉन्टेक्स टर्न ओवर वाले क्राइटेरिया के हिसाब से देख लूँ तो इन एनी थ्री प्रीवियस ईयर अगर वो इंडिविजुअल एच की जो तो टर्न ओवर है इन दैट एनी वन ऑफ द्री प्रीवियस ईयर इफ इट इज इफ इट इज ऑवर स्टूडेंस ट्वेंटी फाइव लैक्स और अबाव और दूसरे केस में इन टेन लैक्स और अबाव सो ये सिचुएशन ध्यान रखना इन ऑल दे अदर केसेस तो लीजिए ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट हो चुका है इस कॉन्टेक्स में डिड यू got this दिस ऑल ऑफ यू जैसे अलाउमी ए मिनट मुझे एक मिनट दीजिएगा और स्टूडेंट्स होपफुल आप लोगों ने पाँच मिनट की ब्रेक ले ली होगी अब स्टूडेंट्स यहाँ पे और जस्ट सर्चिंग दिस बुक इसमें नोट्स थी तो इसमें स्टूडेंट्स अब वी आर गोइंग टू डू ऑल द रिमेनिंग पर्टिकुलर थ्रेश बहुत इंपॉर्टेंट साइड में जाएगा फ्रोन सब ये तो ये डेटा रेटिंग टू तो थ्री ईयर्स देख लिया आपने अच्छा तो वो एक लास्ट टू इयर्स का लास्ट टू के केस में क्या कौन सा पॉइंट आ रहा है प्लीज सेकेंड नोट टू जीरो सिक्स ए बी तो टू जीरो सिक्स ए बी अगर देखा जाए फ्रेंड्स टू जीरो सिक्स ए बी इफ यू सी ओवर देयर तो फिर बताइए क्या मिलने वाला आपको टू जीरो सिक्स ये भी अगर देखा जाए तो मैं नीचे लिख रहा हूं इफ नो आर वाई फाइल इफ नो आर वाई फाइल बाय द पेई If no ROI filed by the pay in last two years in last two years in last two years if no ROI ज फाइल्ड बाय द पे इन लास्ट टू ईयर स्टूडेंट प्लस द टीडीएस डिडक्टेड टी डी एस डिडक्टेड इन बोथ द ईयर्स इन बोथ द इयर्स बताइए स्टूडेंट कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो टी डी एस डेड इन बोथ दूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इज ग्रेटर देन रुपीज फिफ्टी थाउजेंड तो उसका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा नेट रिजल्ट स्टूडेंस यही होगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट, द नेट रिजल्ट स्टूडेंट ऑफ दिस वन वुड बी द टी डी एस रेट विवाइस The existing rate. Twice the existing rate. Amendment. This is the amendment. Students. So the tedious rate. That will be two times of the existing rate. The tedious rate will be two times of the existing rate, students. is that clear to all of you? फ्र फाइन टू टाइम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग डेट चलिए तो ये आर ओ आई के डिफॉल्ट को लेकर है डेट ऑफ लास्ट ईयर में मे बी आप ऐसा भी लिख सकते हो नॉन फॉलिंग ऑफ दर ओ आई नॉन फॉलिंग ऑफ दर ओ आई तो उसको लेके क्या सिचुएशन है उसको लेके क्या सिचुएशन श्रोत तो ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा अब यही डेटा यहां पे ऑफ द लास्ट ईयर नॉन फारिंग ऑफ फारो ऐसे लिख देना अब मैं वापस से वो उस पर देता ये एफ है अब जी में लिखो डेटा ऑफ दी लास्ट ईयर टर्न ओवर थ्रेशोल्ड टर्न थ्रेशोल्ड डेटा ऑफ लास्ट ईयर टर्न ओवर थ्रेश तो ये आपको टीडीएस में मिल रहा स्टूडेंट्स और वो कौन से सेक्शन है यहां पर टीडीएस में वन नाइनटी फोर सी एच आई जे एम ऐसे एम तो लिखना नहीं चाहिए इसके अंदर और आपका 194 नाइन्टी फोर इसमें अगर आप देखोगे फॉर दीज इफ यू सी स्टूडेंट्स फॉर दीज स्टूडेंट्स इफ यू ऑल विल सी तो ऐसे केस में <coughs> ऐसे केसुश्रोत तो ऐसे केसों श्रोत क्या होगा देर आर टू थिंग्स विच इज बिन देयर याद करो जल्दी से टर्न ओवर ऑफ बिजनेस अगर होगा तो लास्ट ईयर का जो टर्न ओवर है वो होना चाहिए ग्रेटर और अगर प्रोफेशन है तो लास्ट ईयर का लास्ट ईयर का टर्न ओवर होना चाहिए ग्रेटर लैक्स वन नाइन्टी फोर एम के अंदर स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे सॉरी वन नाइनटी फोर क्यू के अंदर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर का टर्न ओवर लास्ट ईयर टर्न ओवर शुड बी शुड बी वॉट शुड शुड बी ग्रेटर देन रुपीज रुपीज टेन क्रोर्स लास्ट ईयर टर्न ओवर शुड बी ग्रेटर देन रुपीज टेन क्रोर्स यही है और टीसीएस के कॉन्टेक्स्ट में इफ यू सी टू जीरो सिक्स तो लास्ट ईयर का जो टर्न ओवर स्टूडेंट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर टेन करोर लास्ट ईयर का टर्न ओवर जो है स्टूडेंट शुड बी ग्रेटर देन इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरी वन ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन तो ये सिचुएशन आप स्टूडेंट्स ध्यान में रखेंगे ऑल ऑफ यू विल कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एकदम क्लियर रखना तो इस बात को लेके बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज अच्छा अब एक पॉइंट आपसे करवाना चाहता हूँ ये वैसे तो हमारा जो डिस्कशन है थोड़ा हटके है लेकिन बहुत अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है आप देखोगे ना तो आपने महसूस किया होगा कि ये दोनों ही सेक्शन एक दूसरे के साथ साथ चलते थे

ये नोटिस किया होगा आपने जो रेट भी होंगे दोनों के दोनों के रेट सेम थे स्टूडेंट इन दिस दिस कॉन्टेक्स्ट तो ऐसे केस में व्हाट वी हैव सीन सो टू सेक्शंस आर कंसर्न लेकिन अब जो आपको मिलने वाला है वो थोड़ा अलग है इसमें अब नोटिस करना रेट दोनों का पॉइंट वन परसेंट है लास्ट ईयर ओवर इसका भी दस करोड़ है और उसका भी दस करोड़ है हाँ अगर ऐसी बात है कि अगर

को आपने अपनाना होगा ना कि को हमने ये पॉइंट पॉइंट देखा हुआ है। है। अब अब जो पॉंट मैं डिस्कस क्यों की करने जा रहा हूं, वो थोड़ा क्रिटिकल है। अब उसके अंदर क्रिटिकलिटी क्या है वो बस आपसे बात करनी है शुर्ण्स. क्या है उसके अंदर वो क्रिटिकलिटी स्टूडेंट्स के चलो कि अगर बायर टीडीएस डिडक्ट करने वाला है वन नाइटी फोर क्यू में और सेलर ने पैन उसको दिया नहीं सेलर ने स्टूडेंट उसको पैन नहीं दिया है तो अगर तो सेलर ने उसे पैन नहीं दिया है तो मेरा क्वेश्चन आपसे फिर यह है कि फिर रेट ऑफ टीसीएस रेट ऑफ टीसीएस स्टूडेंट्स सॉरी रेट ऑफ टीडीएस वो कितना लगाएगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां पे नोट लिख देना इस केस में यहां पे पॉइंट नंबर एफ ई एफ जी एच सॉरी एच नो पैन ये सब ये नॉर्मल वाला मत करो वो वाला वो बीस परसेंट वाले के पैन का कोई मतलब नहीं है ये वाला नो पैन इन द केस ऑफ वन नाइंटी फोर क्यू और टू जीरो सिक्स तो पहले वन नाइंटी फोर क्यू देख लो वन नाइंटी फोर में क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स 194 क्यूब फोर में क्या बोला जाता है तो 194 क्यूब फोर क्यू में यह बोला जाता है इफ नो पैड इफ नो पैड इज फर्निश्ड बाय दिस सेलर इफ नो पैन इज फर्निश्ड बाय द सेलर देन तो ऐसे केस पे क्या हो फ्रेंड्स इफ नो पैन इज फर्निश्ड बाय द सेलर देन देन दायर विल डिडक्ट टी डी एस अंडर सेक्शन वन नाइंटी फोर क्यू एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट फाइव परसेंट ठीक है फाइव परसेंट छोड़ो यहाँ पे भी लिखना और एक ब्रैकेट में लिखो फाइव परसेंट इज ऑल्सो द टी डी एस रेट फॉर नो पैन केसेस फाइव परसेंट Is also five percent is also the tedious rate for no pan case for no pan cases <laughs> under section one ninety four oh in all the other tedious.

अच्छा अब टू जीरो सिक्स सी वन एच का देख रहा क्या है वापस स्टूडेंट्स इस केस में इफ नो पैड इज फर्निश्ड बाय दी बाय ये बहुत ही खतरनाक केस है दोनों का जुगलबंदी बहुत ही खतरनाक है स्टूडेंट्स दोनों की जुगल बत्ती बहुत खतरनाक है सो इफ नो पैड इज फर्निश्ड बाय दी सेलर इफ नो पैन स्टूडेंट इज फर्निश्ड बाय दी seller सॉरी बाय buy the buyer देन the TCS shall be बताइए कितने रेट पे कलेक्ट होगा पांच परसेंट के रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा इस केस में क्या ये पांच परसेंट के रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा बिल्कुल नहीं सो टीसीएस शैल बी कलेक्टेड स्टूडेंट एट द रेट ऑफ वन परसेंट पॉइंट तो वन का वन परसेंट हो गया पॉइंट वन का ये वन परसेंट हो जाएगा लेकिन वन नाइन्टी फोर क्यू के अंदर अगर वन नाइन्टी फोर क्यू में टी डी एस डिडेक्ट हो रहा है तो यही पॉइंट वन का फाइव परसेंट हो जाता है यही तब्दीली दिखाने के लिए यह पार्टिकुलर कंपेरिजन जरूरी था और ब्रैकेट इन ऑल द अदर केस इन द द ऑल अदर इन ऑल द अदर दीसी केसेस

टीकेबल रेट ये चीज एकदम केयरफुल रहिएगा आप लोग शोध दिस टू जीरो तो मैंने ये कम्पेरिजन तो ये चार्ट में आपने कम्पेरिजन की है पॉइंट नंबर एच के में नो no पैन है तो ये देखो जुगलबंदी दे। ये सारे देखो लास्ट डे के रिविजन वाले पॉइंट है फिर एच फिर आई वाला केस पे आ जाओ आई में देखेंगे आप लोग अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे स्टूडेंट जो पॉइंट है वो है सरचार्ज को लेके एक बहुत बड़ी दुविधा होती है स्टूडेंट्स में कि कुछ केसेस में फ्लैट सरचार्ज है और कुछ केसेस में स्टूडेंट्स सरचार्ज वाला सिचुएशन है तो आता है तो कुछ केस में सरचार्ज फ्लैट नहीं लगता है वो सरचार्ज लगाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पे

तो यहां पर अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स केयरफुली इफ यू विल लुक टू दिस वन फॉर द रेट ऑफ सरचार्ज तो क्या बोला गया है वॉट इज दट इट इज बिन सेड तो यहां पर अगर देखोगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों को पहले मैं ये दो इसको दो हिस्सों में बांटूश मेक अ टू कॉलम्स इसके अंदर एक तो फ्लैट सरचार्ज होगा उसके केसेस देख लेंगे और दूसरा रहेगा सरचार्ज बेस्ड ऑन दी थ्रेशोल्ड अमाउंट चार्ज बेस्ड ऑन द्रेश अमाउंट तो स्टूडेंट अब यहां पर नोटिस करो इस केस में फ्लैट सरचार्ज में यहां पर नोटिस करो पहला है ऑल्टरनेट टैक्स रेजीम ऑल्टरनेट टैक्स रेजीम किसके लिए कंपनी के लिए और वो कंपनी आपकी डोमेस्टिक कंपनी है ये वन वन फाइव बी ए बी अगर आप देखोगे तो आपने क्या कर देना है फ्लैट टेन परसेंट का सरचार्ज लगा कर आना है फ्लैट टेन परसेंट का सरचार्ज लगा के आना है इक्टिव ऑफ इस्पेक्टिव ऑफ दी टोटल इनकम उसी तरीके मालूम इफेक्टिव रेट बन जाता है वो पंद्रह परसेंट प्लस दस परसेंट प्लस चार परसेंट तो इफेक्टिव रेट सेवनटीन पॉइंट वन ऐसा कुछ बन जाता है उसी तरीके से वन वन फाइव बी डबल ए अगर आप देखोगे फॉर दैट अदर देन मैनुफेक्चरिंग कंपनी उस पर भी फ्लैट टेन परसेंट का जाता है और सेम irrespective of the total income, वही सेम बात इस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम वही सेम बात स्टूडेंट्स इस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम तो ये चीज़ वहां पर भी देखने को मिलती है देख रहे हो ना स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना यही चीज मैं आपको बताऊँ यहाँ पर भी ऑल्टरनेट टैक्स रेजीव अगर देखा जाए ऑल्टरनेट टैक्स रेजीव देखा जाए किसके लिए फॉर द इंडिविजुअल एन एच के लिए अगर देख, देखो तो इफ इंडिविजुअल एन एच यू एफ तो वहां पर वन पॉइंट फाइव बी ए सी हमें आता है और बी ए सी पे क्या होता है क्या कोई फ्लैट सर्चा लगता है नहीं इनफैक्ट फैक्ट यहाँ पे थ्रेश सेम है थ्रेश सेम है यहाँ पे क्या है मोर देन फिफ्टी लैक्स या करोर या टू करोर या फाइव करोर तो जो भी आपने टोटल इनकम कंप्यूट किया होगा अंडर वन वन फाइव बी ए सी जो भी आपने टोटल इनकम कंप्यूट किया होगा स्टूडेंट्स अंडर सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी उस पर्टिकुलर टोटल इनकम एज कंप्यूटर अंडर वन वन फाइव बी ए सी उसका फ्लैट सरचार्ज इंडिविजुअल वालों को नहीं लगाया जाएगा इन दैट केस उनके लिए जो आपकी टोटल इनकम बी एस में कंप्यूट हुई है यह पता लगाइए कि क्या वो टोटल इनकम पचास लाख के ऊपर या एक करोड़ के ऊपर या दो करोड़ के ऊपर या पांच करोड़ के ऊपर गया है और अगर वो गया है तो वो एप्लीकेबल रेट ऑफ सरचार्ज वहां पर लगा दिया जाएगा वो एप्लीकेबल रेट ऑफ सरचार्ज वहां पर लगा दिया जाएगा दैट इज अ पॉइंट

टोटल इनकम का आप मुंह नहीं देखते हो वो सरचार्ज लगाने के लिए सो इन रेस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम जो फ्लैट सरचार्ज आपको बारह परसेंट का लगाना ही पड़ता है स्टूडेंट्स आई होप दैट ऑल ऑफ आर क्लियर विद तो ये आपका दूसरा केस है तीसरे केस में अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो यहां पर आपको एग्जिट टैक्स का केस मिलता है जिसका रेट आपको पता है ना थर्टी परसेंट प्लस ट्वेल्व परसेंट देख लो ये ट्वेल्व परसेंट आ गया एंड प्लस फोर परसेंट प्लस फोर परसेंट फाइन फ्रूथ प्लस फोर परसेंट प्लस फोर परसेंट ठीक है ट्रुथ नाउ आफ्टर दिस अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको वो एडिशनल टैक्स जो ट्रांसफर प्राइसिंग में आपको पता होगा स्टूडेंट कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट से अगर बचना है मतलब कि वो हर साल नोशनल इंटरेस्ट आप पे चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा अब अगर तो आपको उस पर्टिकुलर नोशनल इंटरेस्ट से बचना है स्टूडेंट्स अगर तो आपको उस नोशनल इंटरेस्ट से अगर आपको बचना है तो उसका स्टूडेंट्स एक ही इलाज अब आपको मिलेगा ओनली वन रेमेडी स्टूडेंट्स नाउ यू विल बी गेटिंग इट इन दिस केस बताइए वो इलाज क्या है स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट तो वो जो इलाज है स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में वो जो इलाज है स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में वो है आपका एक एडिशनल टैक्स पे कर दो एडिशनल टैक्स पे कर दो ऑन द एक्सेस मनी एक्सेस मनी क्या है डिफरेंस बिटवीन द बिटवीन द द ट्रांसफर प्राइस एंड द एंड द एलपी तो आप एडिशनल टैक्स पे कर दो ऑन द एक्सेस मनी तो अगर आप एडिशनल टैक्स पे करते हो ऑन द एक्सेस मनी स्टूडेंट्स अगर आप एडिशनल टैक्स पे करते हो ऑन द एक्सेस मनी तो वो उस केस में बाय द वे क्या रेट लगता है? ये परसेंट का है प्लस 12% परसेंट फ्लैट सरचार्ज प्लस फोर परसेंट शायद कुछ आता है 20.9664% पॉइंट परसेंट ऐसा कुछ है तो ये भी केस आपको मिल गया ये भी केस आपको मिल गया एडिशनल टैक्स ये भी फ्लैट सरचार्ज वाला केस है फिर आप फिफ्थ पॉइंट में देख रहे स्टूडेंट ये एओपी ये एमएमआर का रेट मैं आपको बता रहा हूं ये एओपी का केस इसके साथ साथ ये मालूम है आपका ये प्राइवेट ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट का है और आर को मालूम है आर टी आपको पता होगा कि आर बिजनेस ट्रस्ट जो है उसके हाथ में सिर्फ एक ही इनकम टैक्स होता है वो अदर इनकम है बाकी अगर बिजनेस ट्रस्ट को रेंटल इनकम अगर आ रहे हैं वो पहला पॉइंट या फिर बिजनेस ट्रस्ट को अपने एसपीवी से बिजनेस ट्रस्ट को अपने एसपीवी से इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम आ रहा है तो ये जो रेंटल इनकम जो बिजनेस ट्रस्ट को आ रहा है या फिर अपने एसपीवी से उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम आ रहा है तो ये इनकम किसके हाथ में यूनिट होल्डर दीज इनकम बी एसेबल इन देंस ऑफ यूनिट होल्डर तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में अदर देन दीज थ्री विच थ्री रेंटल इंटरेस्ट एंड डिवरेंट इनकम फ्रॉम दी एसपी इन तीनों को छोड़ के बाकी जो इनकम होगा जिसको हम कहते हैं अदर इनकम वो बिजनेस ट्रस्ट के आप में टैक्स होगा अब जो अदर इनकम है जो अदर इनकम है स्टूडेंट उसके लिए अल्टीमेट ध्यान रखना यहां पर आपको पता होगा अदर इनकम में अगर कोई स्पेशल इनकम है तो वो स्पेशल रेट पर होगा और अदर देन स्पेशल इनकम तो वो एम एम आर पे होगा और ये एम एम आर क्या स्टूडेंट्स पता होना चाहिए आप लोगों को एम एम आर इज थर्टी प्लस थर्टी सेवन प्लस फोर थर्टी प्लस थर्टी सेवन प्लस फोर और ये ए पी और प्राइवेट ट्रस्ट इनके लिए भी वही एम एम आर थर्टी प्लस थर्टी सेवन प्लस फोर ये कुछ फोर्टी टू पॉइंट सेवन डबल फोर परसेंट हो जाता है फोर्टी टू हो जाता है तो ये एम एम आर का रेट ये लग जाता है इस केस में ठीक है तो ये अदर इनकम कौन सा है मैंने पहले ही बता दिया अदर देन द रेंटल इनकम अदर देन द इंटरेस्ट एंड द डिविडेंड इनकम रिसीव बाय बाय दी दी बिजनेस ट्रस्ट उनको छोड़ के तो ये अदर इनकम पे बताइए क्या एप्लीकेबिलिटी होगी वो मैंने आपको बता दिया ये अदर इनकम पे क्या अपलिकेबिलिटी होगी फ्रेंड्स दैट इज वॉट आई हैव हैव ऑलरेडी यू अगर आप यहाँ पे फ्रेंड्स देखोगे इस केस में तो ये चीज़ आ जाती है कंप्लीट हो गया और लास्ट वाला पॉइंट लिख दो आप इसके बाद वन वन फाइव बी बी ये जानते हो कि इसके लिए सिक्सटी एट से लेके सी नाइन डी वाला केस तो सिक्सटी एट से लेके सिक्सटी नाइन डी वाला अगर आप देखोगे यहाँ पर जो आपका ये जो इनकम है फ्रॉम सिक्सटी एन डी इस पर क्या रेट लगेगा बेस रेट प्लस ट्वेंटी क्या है और 4 आपका सी लग रहा है आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस चार लग रहा है तो ये सिचुएशन आप लोग ध्यान रखना क्लियर हो स्टूडेंट्स इस बात को लेके नाउ इफ यू ऑल आर डन विद दिस अगर ये चीज आपने कंप्लीट कर ली है तो अब आइए स्टूडेंट्स ये वाले कैटेगरी में अब आप स्टूडेंट्स ए एम टी या फिर मैट ये भी अगर आप देखोगे तो क्या थ्रेशोल्ड लेवल पर ये काम करेगा प्लीज नोट करके चलना हम लोग आपको ए आपने कैलकुलेट की साढ़े अठारह परसेंट के रेट के हिसाब से आपने मैट कैलकुलेट किया पंद्रह परसेंट के रेट के हिसाब से अब आपको सरचार्ज लगाना है तो सरचार्ज लगाना है तो प्लीज पहली बात तो ये है कि फ्लैट सरचार्ज नहीं लगता है एज फार एज ए एंड मैट इज कंसर्न उसके लिए भी आपको थ्रेश लिखने देखने पड़ेंगे और जो थ्रेश आप देखोगे वो आप देखोगे फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ किस परस्पेक्टिव से आप वो थ्रेश देखोगे यू विल सी देश होल्ड फ्रॉम दर्स्पेक्टिव ऑफ दॉट प्रोविजन आप वो देखोगे के लिए कि क्या एडजस्टेड टोटल इनकम क्या एडजस्टेड टोटल इनकम वो थ्रेश होल्ड को पार किया है या नहीं थ्रेश होल्ड लेवल सेम है। जैसे नॉर्मल प्रोविजन में थ्रेश होल्ड लेवल आपको मिलते हैं वही सेम लेवल है रेट भी सेम है सरचार्ज का लेकिन आपको कंपैरिजन किसके साथ करना है एडजस्टेड टोटल इनकम के साथ करना है फॉर ए और मैट के लिए किसके साथ करोगे फ्रॉम द बुक प्रॉफिट सो एज फार एज द मैट इज कंसर्न यू विल सी द सेम देशोल्ड अमाउंट एंड द रेट एप्लीकेबिलिटी बट इट विल बी फ्रॉम विल बी कंपेर्ड विद द बुक प्रॉफिट तो आपने कंपेरिजन उसको दे रहा है बुक प्रॉफिट से ना की फ्रॉम दिस पटि थिंग आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस विदा ठीक है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है और लास्ट में बाकी तो आपको पता ही है कि नॉर्मल प्रोविजन में अगर होगा तो सरचार्ज जो नॉर्मल प्रोविजन में लगता है तो वो तो थ्रेशोल्ड इनकम को देख के लगेगा उसके बाद ही नॉर्मल प्रोविजन में वो सरचार्ज लगाई जाती है तो ये सरचार्ज का मैंने स्टूडेंट तो आपको बता दिया क्योंकि काफी तकलीफ होती है स्टूडेंट्स को सरचार्ज को लेके तो वो चीज मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दी एक लास्ट पॉइंट बस आपसे स्टूडेंट्स बात करना है इसके लिए One one. last point, students. I just want to speak to speak you on this one. Students, notice करना एक चीज अगर मान के चलो स्टूडेंट्स कि आपके आपके adjusted total income के अंदर थोड़ा कैंपेर ये careful रहना ये वाला last point है Careful रहिएगा स्टूडेंट्स आपके ए एम टी की कैलकुलेशन हो रही है ए एम टी की कैलकुलेशन हो रही है स्टूडेंट्स और आपके चलो एम के पहले मैं ऑल्टरनेट टैक्स रेजीम की बात करता हूं ऑल्टरनेट टैक्स रेजीम में आपने वन वन फाइव बी डबल ए वन वन फाइव बी ए बी या वन वन फाइव बी ए सी के अंदर आपने वो टोटल इनकम कंप्यूट किया उस टोटल इनकम के अंदर कुछ स्पेशल इनकम है उस टोटल इनकम में कुछ स्पेशल इनकम है तो वो जो स्पेशल इनकम है जो आपको उस टोटल इनकम में मिलेगा उसका क्या रेट आप अप्लाई करोगे वॉट विल बी द रेट वो स्पेशल इनकम जो है होगा इन टोटल इनकम इज एज पर बी और बी ए सी और टैक्स करोगे एट द स्पेशल रेट बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने स्टूडेंट्स तो स्पेशल इनकम को स्टूडेंट्स स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स किया जाएगा स्पेशल इनकम को स्टूडेंट्स स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स किया जाएगा जहा तक दूसरी बात अगर हम लोग कहें अगर हम दूसरी बात अगर हम लोग कहें स्टूडेंट्स तो स्पेशल इनकम को स्टूडेंट्स आपने स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स कर दिया दैट इज पॉइंट नंबर वन और जहां तक दूसरी बात अगर कहा जाए स्टूडेंट्स थोड़ा केयरफुल पर्टिकुलर पॉइंट वो क्या होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा इन दिस केस तो स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट नाउ नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज द नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्सट इज बताइए क्या अगर ये एम टी के अंदर मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम एम टी का केस है एम टी का केस है एम टी में आप एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करते हो और उस एडजस्टेड टोटल इनकम के अंदर कोई स्पेशल इनकम है लाइक फॉर एक्साम्पल लॉन्ग टर्म कैप्लीके तो फिर आप वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को किस रेट से टैक्स करोगे वेदर इट टैक्स एट द स्पेशल रेट क्या उसे आप स्पेशल रेट से टैक्स करोगे टू दैट नो स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं आप उसे स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स नहीं कर पाओगे यू विल नॉट बी अलाउड टू टैक्स एट द स्पेशल रेट ये चीज आप ध्यान में रखिएगा ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि आप वो स्पेशल रेट नहीं लगा पाओगे प्राइमली क्योंकि एएमटी का एक ही रेट है 18.5% बस ऑन दी एडजस्टेड टोटल इनकम सिमिलरली बुक प्रॉफिट मैट में भी बुक प्रॉफिट में होंगे स्पेशल इनकम लेकिन आपने उस पे सिर्फ 15% का ही रेट लगाना है तो प्लीज डिफरेंस समझिए कि अल्टरनेट टैक्स रेजिम वो वन वन फाइव बी ए बी या वन वन फाइव बी डबल ए या इवन वन वन फाइव बी ए सी का हो उसमें अगर कोई स्पेशल इनकम है तो उसको स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स किया जाएगा लेकिन एम टी जो कि एडजस्टेड टोटल इनकम पे लगाया जाता है उसमें अगर स्पेशल इनकम है या मैट जो कि बुक प्रॉफिट पे लगाया जाता है उस पर स्पेशल इनकम है तो उन पे सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर रेट ही एप्लीकेबल होगा ओनली द सिंगुलर रेट वुड बी दिंग लीजिए स्टूडेंट सर चार्ज का ये पड़ी वो पॉइंट अब मैंने कंप्लीट कर दिया है आप लोग के लिए देर आफ्टर आफ्टर पॉइंट नंबर जे अब ये वाला सिचुएशन स्टूडेंट्स बहुत खतरनाक होने वाला है बी रेडी फॉर दिस वन यहां पर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ये लिस्ट बनाएंगे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन और मैं आपको बता रहा हूं ये लगभग ये सारे एग्जामिनेशन में आने वाले ही हैं। तो ये पूरा जो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट्स का इतना बड़ा हेड होता है उसका कोई हिसाब ही नहीं एंड दैट इज अ रीजन वाई दीस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स दिस पर्टिकुलर कंपेरिजन और कंसोलिडेशन कितना इंपॉर्टेंट है अब इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पॉइंट बता दिया जाए पहले वाला तो टीडीएस टीसीएस है टी डी एस एंड टीसीएस वाला केस है जिसमें आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि टीडीएस नॉट डिडक्टेड तो उसमें बताओ क्या करेंगे एट वन परसेंट एट वन परसेंट From the date the TDS is deductible to the date when the TDS is actually deducted. वन पर्सन फ्रॉम द डेट दीडियस इज डिडक्टेबल टू द डेट वेन द टीरियस इज एक्चुअली डिडक्टेड दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट डिडक्टेड बट नॉट पेड तो डिडक्ट किया लेकिन आपने जमा नहीं किया उसका क्या तो वन एंड हाफ पर्सेंट फ्रॉम द डेट एंड हाफ पर्सेंट फ्रॉम द डेट द टी डी एस श्रंत वन एंड हाफ पर्सेंट फ्रॉम द डेट द टी डी एस इज डिडक्टेड अच्छा बाइम कब टी डी एस डिडक्टेबल होता है ये टी डी एस डिडक्टेबल कब होता है लिख दो ऊपर पेमेंट और क्रेडिट एवर इज अर्लियर लिख दो चाहिए तो पेमेंट और क्रेडिट एवर इज अर्लियर उस जनरली वही होता है बस सैलरी के केस पे पेमेंट के हिसाब से होता है कुछ एक दो और केस है जो पेमेंट के हिसाब से होता है जैसे लॉटरी विनिंग से डेट तो उस डेट से भले ही देखो आपको ड्यू डेट तो मिलता है छुटा ये मैं डिनाई नहीं करता हूँ आपको ड्यू डेट नहीं मिलता बिल्कुल मिलता आपको ड्यू डेट लेकिन आपकी टी की जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वो ड्यू डेट से नहीं चालू होगी सेवंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ जो ड्यू डेट आपको मिलता है तो प्लीज केयरफुल रहना आप लोगों को स्टूडेंट्स इंटरेस्ट का ये जो कैलकुलेशन होगा वो सेवंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ से नहीं मिलेगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपकी तुरंत शुरू हो जाती है और अगर आपने मतलब कि सेवन्थ ऑफ नेक्स्ट मंथ जो आपका पैसा जो ड्यू डेट है जमा करने के लिए अगर वो मिस कर गए ना तो आप इससे इस घिर जाओगे पूरा डिडक्टेबल so से जब तक डिडक्ट नहीं किया और अगर डिडक्ट किया है तो जब डिडक्ट किया है फ्रॉम दैट डे टिल द डेट फाइनली जो आपने जमा किया है टू द डेट द टी डी एस इज एक्चुअली डिपॉजिटेड ठीक है तो ये पहला इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया जो दूसरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टूडेंट वो है सेकेंडरी एडजस्टमेंट का सेकेंडरी एडजस्टमेंट का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन याद है ना आप लोगों को तो आप लोगों को स्टूडेंट क्या होता है वहां पे इन द केस ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स बी केयरफुल आप लोगों को वो जो एक्सेस मनी है एक्सेस मनी का मतलब द डिफरेंस बिटवीन ए एल पी एंड ट्रांसफर प्राइस उस एक्सेस मनी पे आप लोगों को जो रेट है आपको पता होगा रेट है यहाँ पे आपको पता है एस बी आई प्लस थ्री ट्वेंटी फाइव बेसिस पॉइंट, और ये एस बी आई का आपको लेना फर्स्ट अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर का लेना है ध्यान रखना एस बी आई का अगर ये जब इंडियन रुपी में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डिनोमिनेट हुआ है आई में जब ये गया है और दूसरा केस है जब ये डॉलर में जा रहा है जब डॉलर में जा रहा है तो आपको और लेना है और 300 बेसिस पॉइंट ठीक है तो ये एक्सेस मनी पे ये रेट लगाओगे आप एस का किस डेट दिन का रेट है फर्स्ट अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर तो एक बार ये रेट आपको मिल गया तो ये रेट आपको मिलेगा तो मल्टीप्लाय बाय द रेट तो ये रेट कौन सा होगा ये दे दिया गया है और ये पीरियड अब क्या होगा ये स्टार्ट होगा फ्रॉम द रेलेवेंट डेट इट द रेलिवेंट डेट इट सेल्फ और रेलिवेंट डेट क्या है अब आपको पता है ना ये चीज कि आपको एज पर दी सेकेंडरी नाइनटी टू सी प्रोविजन यू आर अलाउड टू ब्रिंग द मनी इन इंडिया आपको इजाजत है कि आप पैसे को इंडिया में लाओ और ये आप ला सकते हो विद इन नाइन्टी डेज विद इन नाइन्टी डेज फ्रॉम द रेलिवेंट डेट अभी रेलिवेंट डेट क्या है अब दो केस है कि अगर मान के चलो कि एक सो मोटो मैंने क्या कर रखा है सो मोटो मैंने वो डिफरेंस वो मैंने मैंने वो ट्रांसफर प्लांट एडजस्टमेंट कर रखी है और डिफरेंस एक करोड़ के ऊपर आ रहा है तो उस केस में अगर सो मोटो ही आपने क्या है वो डिफरेंस को जो बिटवीन ए एल पी एंड ट्रांसफर प्राइस वो डिफरेंस को ही आपने कैप्चर कर लिया है तो फिर वो रेलिवेंट डेट आपका बन जाएगा क्या बनेगा द डेट ऑफ फाइलिंग सॉरी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न नॉट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एक्चुअल रिटर्न बट द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ड्यू डेट और दूसरे केस में जहाँ पे डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया है और वो ऑर्डर आपने मान लिया है तो वो ऑर्डर का डेट बन जाएगा रिलेवेंट डेट उससे नाइन्टी डेज तो मान के चलो कि उसके उससे 90 डेज के अंदर तक आपको वो डिफरेंस मनी को इंडिया में लेकर आना है और जहाँ पर वो डिफरेंस मनी आपने इंडिया में नहीं लाया है जहाँ पर भी वो डिफरेंस मनी आपने इंडिया में नहीं लाया तो एक नोशनल इंटरेस्ट आपको लग जाएगा और किस डेट से किस डेट तक वो चीज़ आपने यहाँ पर देख लिया है फ्रॉम द रिलेवेंट डेट इट ना ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉट फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ दिन 90 डेज आफ्टर द ऑफ़ 90 डेज नॉट आफ्टर दी ऑफ 90 डेज वो नहीं करना आपने तो आप बड़ी गलती कराओगे कि आफ्टर दी एक्सपायरी ऑफ 90 डेज कर कराओगे ये बड़ी गलती हो जाएगी आप लोगों से तीसरा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे तीसरा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे और वो होगा थोड़ा आप लोगों का ये बाय टैक्स ये कंपनी को पे करना होता है should pay kaptak within 14 days within 14 days from from what within 14 days students within 14 days from the पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय द कंपनी पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय द कंपनी और जहां पे डिफॉल्ट हुआ कंपनी से डिफॉल्ट मेड बाय द कंपनी जहां भी डिफॉल्ट हुआ स्टूडेंट्स कंपनी से तो फिर उस पर्टिकुलर केस पे स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा जहां भी डिफॉल्ट हुआ है स्टूडेंट्स कंपनी से तो फिर उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा सो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ वन परसेंट पर मंथ और पार्ट देर ऑफ और पार्ट देर ऑफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फोर्टीन डेज ये यहां से लगना चालू हो जाएगा टिल कब तक जब तक वो पेमेंट नहीं कर देता तब तक जब तक तो वो पेमेंट नहीं कर देता तब तक एग्जिट टैक्स का भी हाल यही है स्टूडेंट्स एग्जिट टैक्स भी वो ट्रस्ट को पे करना पड़ता है शुड पे विद इन फोर्टीन डेज सेम वही कंसेप्ट है फोर्टीन डेज लेकिन यहां से फ्रॉम द रिलेवेंट डेट फ्रॉम द रिलेवेंट डेट फोर्टीन डेज लिखेंगे फ्रॉम द रिलवेंट डेट एग्जिट टैक्स जो लगेगा स्टूडेंट्स ट्रस्ट को भी यह पे करना पड़ता है विद इन फोर्टीन डेज फ्रॉम द रिलेवेंट डेट स्टूडेंट्स विद इन फोर्टीन डेज फ्रॉम द रिलेवेंट डेट ठीक है यह ट्रस्ट को पे करना पड़ता है विद इन फोर्टीन डेज फ्रॉम द रिलेवेंट डेट रेल डेट क्या <coughs> वो है ना डेट ऑफ कन्वर्जन या वो कन्वर्जन हुआ या फिर डेट ऑफ डिजोल्यूशन अगर वो बंद कर देता है ठीक है तो ये उस वो डेट से कंसिडर किया जाएगा फ्रॉम दैट डेट और अगर डिफॉल्ट हुआ है डिफॉल्ट मेड बाय कंपनी मेड बाय द तो इफ द डिफॉल्ट इज मेड बाय द बाय द ट्रस्ट इंटरेस्ट सेम एज ऑफ बाय बैक टैक्स तो जो ऊपर आपने बाय बैक टैक्स देखा छोड़ो सेम वही पैटर्न से यहां पर भी इंटरेस्ट आपको लगेगा यही पैटर्न पे आपको यहां पे इंटरेस्ट इनकम लगेगा स्टूडेंट्स होप दैट ऑल ऑफ यू क्लियर दिस वन। अब स्टूडेंट्स इक्वलाइजेशन लेवी देख लो एक बार इक्वलाइजेशन लेवी अब स्टूडेंट इक्वलाइजेशन लेवी का पहले ड्यू डेट देखना क्या है दो केस है और दूसरा फाइव स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए फॉरन इक्वेश अंडर सेक्शन फाइव और दूसरा वन सिक्सटी फाइव ए सिक्सटी फाइव में आपको ये आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पे सेवेंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ सेवेंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग फॉलोइंग द सेट कैलेंडर मंथ कैलेंडर मंथ को फॉलो करना आपने स्टूडेंट सेवेंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द सेट कैलेंडर मंथ तो ये ड्यू डेट है और यहां पर <coughs> यहां पर स्टूडेंट सेवेंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग रेलिवेंट क्वार्टर फॉलोइंग द रेलिवेंट क्वार्टर स्टूडेंट्स, और यहां पे लिख दो लास्ट क्वार्टर का ये थर्टी फर्स्ट मार्च है डेट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच पे 165 में कंपैरिजन, क्योंकि वन सिक्सटी फाइव में स्टूडेंट्स अगर मार्च का महीना होगा मंथली करना है लेकिन अगर मार्च का महीना होगा तो इसका डेट तो सात अप्रैल ही होगा अगर आप वन ए की बात करोगे तो लास्ट क्वार्टर जो जयं टू मार्च का है उसका ड्यू डेट आपका सात अप्रैल नहीं होगा उसका ड्यू थर्टी फर्स्ट मार्च होगा ये दोनों के बीच में डिफरेंस डिफरेंट आप लोग को देखने लायक बनता है ठीक है अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसमें इंटरेस्ट वाली बात होगी इन दिस कॉन्टेक्स्ट तो ऐसे केस में अगर डिफॉल्ट हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ वन परसेंट पर मंथ पार्ट देर ऑफ डूरिंग द पीरियड डूरिंग द पीरियड द डिफॉल्ट कंटिन्यूस वो पूरे पीरियड में जो पीरियड का यह डिफॉल्ट उसके लिए फूड आप लोगों को ये इंटरेस्ट ये पे करना पड़ेगा तो ये आपका प्रजमटिव टैक्सेशन वाला हो गया पॉइंट पांच और अब आखिरी में सो so इक्वल हो गया अब आखिरी में स्टूडेंट्स टैक्स टास्क टैक्स अभी टैक्स में स्टूडेंट्स क्या चीज है ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग ऑल ऑफ यू सो सो फार एज कंसर्न एक चीज बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा टैक्स को लेके यहां पर स्टूडेंट्स वन परसेंट है यहां पर वन परसेंट है स्टूडेंट एक सॉरी टैक्स में प्रसार फोर्टी फोर एडी एंड एडीए टेक्निकली फोर्टी फोर एडी एंड फोर्टी फोर एडीए इनका एडवांस टैक्स जो है ड्यूडेट क्या होगा फ्रेंड्स? पंद्रह मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, 15 मार्च और अगर एक ही ड्यूडेट है सो ओनली वन ड्यू डेट तो अगर डिफॉल्ट हुआ है पेमेंट का डिफॉल्ट इन पेमेंट तो फिर ऐसे केस में फ्रेंड्स उनको टू थर्टी फोर सी में वन परसेंट ऑफ ऑफ ऐसे टैक्स लगता है स्टूडेंट्स कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टैक्स लगता है टिल एच ई ये सारे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है ना ये स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं और धोखा खा जाते हैं ये जितने भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है टू ए बी एन सी में वो आप ऐसे टैक्स टिल एच तक उसके उस पर आप इंटरेस्ट लोड करते हो उस पर आप इंटरेस्ट लोड करते हो तो इसी वजह से टू थर्टी फोर सी में वन परसेंट ऑफ एस टैक्स ये आप लगवाओगे ये आप लगवाओगे आई दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद सारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिल चुकी है इस बात को लेके ठीक है ना तो ये सिचुएशन थोड़ा आपको ध्यान में रखिएगा ऑल ऑफ यू क्लियर विद ठीक अच्छा एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन आता है ये बोलते हैं कि भाई ये ये जो मिस्टर ये डॉक्टर है स्पेसिफिक फोर्टी फोर में है और इसने पूरे साल में कोई एडवांस टैक्स पे नहीं किया ये डॉक्टर आपके पास आते हैं आपसे कंसल्टेंसी लेने के लिए अप्रैल के महीने में अप्रैल के महीने में तो जानते हो फिर अप्रैल के महीने में या चलो मई के महीने में विल इट बी अब इसके से अपार्ट फ्रॉम टू थर्टी फोर सी टू थर्टी फोर बी का भी इंटरेस्ट लग जाता है और ये जो टू थर्टी फोर बी का इंटरेस्ट है ये फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर से लगाया जाता है टू थर्टी फोर बी का ये जो इंटरेस्ट है ये कब से लगवाया जाता है फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर से ये लगाया जाता है इट और क्योंकि आपके पास अप्रैल में अगर आए होंगे तो आपने तुरंत बोला रहेगा कि आप टैक्स पे, पे कर दो टू थर्टी फोर बी हो जाएगा अगर आपको अप्रोच किया गया तो इसका मतलब कि अपार्ट फ्रॉम टू थर्टी फोर सी अगर अप्रैल में अप्रोच किया तो एक परसेंट का आपको वो एक महीने के लिए आपको टू थर्टी फोर बी का एड्रेस भी पे करना है अगर वो जून के महीने में आया है आपसे मिलने के लिए एज ए कंसल्टेंट आपसे एडवाइस लेने के लिए तो फिर टू थर्टी फोर बी का जो एड्रेस होगा वो कितने महीने के लिए होगा फॉर थ्री मंथस फॉर थ्री इज नॉट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स तो ये सिचुएशन शूडंस आप लोग ध्यान में रखिएगा ये सिचुएशन आप लोग सब लोग ध्यान में रखिएगा आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू आर क्लियर विद दिस चलो तो कंप्लीट हो गया है ये सारे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन और अब अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा थोड़ा पॉइंट नंबर के लिख दो पॉइंट अंबर के दिख दो ये होगा पर डे के हिसाब से जो अमाउंट लगाया जाता है वो पर डे वाला जो अमाउंट है वो देखते हैं तो ये पर डे का अमाउंट पे लगाया जाता है जैसे कि पहले टू थर्टी फोर ई वाला है फीस टू थर्टी फोर ई वाला है फीस ये टी डी एस या आपने फाइल नहीं किया ये चीज नोटिस करना ये फी है टीडीएसएन टीसी पर डॉट फाइल डॉट फाइल टीडीएस एड टीसी स्टेटमेंट डॉट मई फाइल तो अब उस सिचुएशन में उस सिचुएशन में फूड अगर तो टीडीएस टीसी स्टेटमेंट आप फाइल नहीं करते हो बाय द वे कब तक फाइल करना है फॉर टीडीएस स्टेटमेंट आपको एंड ऑफ मंथ एंड ऑफ मंथ फॉलोइंग फॉलोइंग ईच क्वार्टर ईच क्वार्टर मतलब कि क्वार्टर जो है उसके बाद जो बाद, बाद वाला मंथ है उसका एंड डेट तो अप्रैल से जून तो एंड थर्टी फर्स्ट जुलाई तक आपको टी डी एस स्टेटमेंट दे, दे होगा उसी तरीके से जुलाई से लेके सितंबर एंड तक जुलाई से लेके सितंबर एंड तक तो आपको ये टी डी एस स्टेटमेंट दे दे रहा होगा कब तक बाय एंड ऑफ अक्टूबर बाय एंड ऑफ अक्टूबर तो ये सिलसिला चलता रहेगा इस तरीके से <coughs> टीसीएस के लिए स्टूडेंट्स आपको इसमें क्वार्टर नहीं होता है लेकिन फिफ्टींथ ऑफ स्टूडेंट्स को ऐसा लिखना एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ ऐसे लिखो एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऐसे लिखना और यहां पर भी फिफ्टींथ ऑफ नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग ईच क्वार्टर 50th of the next month, falling each quarter. और अगर आपने फाइल नहीं किया है तो फिर टू थर्टी फोर ई जो फीस होगी वो two hundred rupees per day After the expiry of After the expiry of The due date two hundred rupees, rupees two hundred per day After the expiry of due date टिल स्टेटमेंट is फॉरेस्ट टिल द स्टेटमेंट is फॉरेस्ट ये मैं टू थर्टी फोर ई की फीस की बात कर रहा हूं ठीक है चलिए ये वाला हो गया इसके बाद स्टूडेंट नोट करो आप लोगों को सेकेंड स्टूडेंट आप लोगों को और एक फाइल करना पड़ता है वो है आपका इक्वलाइजेशन लिविंग स्टेटमेंट और ये जो इक्वलाइजेशन लिविंग स्टेटमेंट है ये कब तक तो फाइल करना है आपको बाय थर्टीएथ ऑफ जून थर्टी ऑफ जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर थर्टीएथ ऑफ जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर और जहां आपने स्टेटमेंट नहीं फाइल किया है तो नॉन फाइलिंग होगा तो दे रुपीज हंड्रेड पर डे रुपीज हंड्रेड पर डे आफ्टर द डेट आफ्टर द डेट दिस इज इक्वा लिविंग स्टेटमेंट फोर थर्टीथ ऑफ जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर में आपको ये इकोनाडिश स्टेटमेंट फाइल करना और अगर आपने फाइल नहीं किया है देन रुपीज हंड्रेड पर डे आफ्टर द आफ्टर द ड्यू डेट ये होगा इकोनाडिश स्टेटमेंट के लिए और जो तीसरा वाला पॉइंट है ये जो तीसरा वाला पॉइंट है वो ए आई आर के लिए है यार कब तक तो फाइल कर फिर तो आपको बाई थर्टी फर्स्ट ऑफ मई ऑफ द नेक्स्ट ईयर और ऐसे केस पे अगर डिफॉल्ट अगर हो जाए तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखता दो रेट लगेंगे यहां पे दो रेट लगेंगे एक रुपीज फाइव हंड्रेड पर डे Rupees five hundred per day. Rupees <coughs> <coughs> five hundred per day. After the due date, after the due date till after the due date till the notice, after the due date till the till the time limit till the time provided in the notice in the notice issued by the department to file the statement. टू फाइल द स्टेटमेंट और ये वाले सिचुएशन में रुपीज वन थाउजेंड पर डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस Uh, after the expiry of the type specified in the notice अब इसके बाद देखो छोड़ो लास्ट वाला पॉइंट है सीबीसीआर सीबीसीआर कब तक फाइल कर दे रहे हैं ट्वेल्व मंथस फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट चलिए और अगर ये डिफॉल्ट हुआ डिफॉल्ट अगर सीबीसीआर फाइल करने को हुआ तो टू सेवेंटी वन जी बी में पेनाल्टी कुछ इस तरीके से लगेगी बाय द वे फिर तो एक चीज मैं बताओ आपको TDS TCS स्टेटमेंट अगर फाइल नहीं किया तो टू थर्टी फोर ई में आपको फी लग रही है लेवी का स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो ये जो हंड्रेड रुपीज पर डे आफ्टर डेट ये ये अमाउंट का क्या लग रहा है पेनाल्टी लग रहा है ये पेनाल्टी है आप बोलोगे सर फर्क क्या पड़ेगा जनाब फ़र्क पड़ता है ये कि टू थर्टी फोर ई का आपको डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन क्या ये पेनाल्टी अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा उसी तरीके से ये डिफॉल्ट होने पे टू सेवेंटी वन एफ पे एफ ए में ये पेनाल्टी लग रही है पेनाल्टी ए आर नहीं फाइल करने पे ये पेनाल्टी लग रही है और क्योंकि ये भी पेनाल्टी वाला पॉइंट है तो इसका भी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा दैट इज वॉट इट इज और फिर लास्ट में स्टूडेंट्स सीबीसीआर में भी ये पे टू सेवेंटी वन जी ए में पेनाल्टी रही है ये लिख के रखना फर्स्ट केस का ही डिफॉल्ट फी है जिसके डायरेक्शन आपको मिल जाएगी लेकिन बाकी क्योंकि सब पेनाल्टी के रूप में है इस वजह से कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी इसका क्या है डिफॉल्ट अप टू डिफॉल्ट टू वन मंथ आफ्टर द डेट फ्टर द ड्यूडेट डिफॉल्ट अपू वन बर्थ आफ्टर ड्यूडेट तो कितना हो गया एट रुपीज फाइव थाउजेंड पर डे और बियॉन्ड वन बर्थ बियॉन्ड वन बथ अगर होगा एट रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पर डेट रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पर डे एट पीस फिफ्टी थाउजेंड पर डे स्टूडें अब एल वे आ जाइए स्टूडेंट एल वे आ जाइए और एल जो है वो थर्टी डेज का थ्रेश होल्ड लिमिट ये देखा जाएगा और ये थ्रेश होल्ड लिमिट थर्टी डेज का क्या है स्टूडेंस और किन किरिए पहले तो सी आई टी अपील में अगर आपको अपील फाइल करना है appeal to be filed before the सी appeal. टी so within the विद days from date of service of order. ऑर्डर <coughs> ठीक है दूसरा है ए आर नंबर अथॉर्टिफ एडवान के पास अगर आपको अपना एप्लीकेशन विदड्रॉ करना है कैन बी विदड्रॉन कैन बी विदड्रॉ विद इन थर्टी डेज जो ये एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स क्या इसे विदड्रॉ की जा सकती है विद इन थर्टी डेज बिल्कुल बिल्कुल विड्रॉ हो सकती है डेज़ अच्छा क्या थर्टी डेज के बाद ही विदड्रॉ कर सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये नोट कर लेना रहे हैं आप बियो थर्टी डेज ऑल्सो कैन बी विड्रॉड इफ द अथॉरिटी परमिट्स सच विड्रॉ बियो थर्टी डेज भी क्या है ये विदड्रॉ किया जा सकता है अगर तो अथॉरिटी ने परमिशन दे दी है तो अगर तो अथॉरिटी ने सुरज परमिशन दे दी है तो बियो थर्टी डेज को भी आप विड्रॉ कर सकते हो ये डबल ए आर की हो गई और आखिरी में डीआरपी डिस्प्यूट ऑब्जेक्शन टू डीआरपी ऑब्जेक्शन टू डी तो क्या ऑब्जेक्शन होगा सुरज कब तक दे रहा है विद इन थर्टी डेज विद इन थर्टी डेज फ्रॉम ये ऑब्जेक्शन कौन करेगा एस करेगा बिफोर द डीआरपी कब तक कर देना है विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर ठीक है ठीक है या तो हो गया आपका अब स्टूडें दो मैं आपको यह कर देता हूं आप लोग ये कर लेना ये एम है ये वाला एम और एन एम वाला है आपको इस केस पे सीजी को अपील फाइल करना है डिपार्टमेंट को फाइल करना है डिपार्टमेंट को फाइल करना है अपील तो मालूम इसका क्या होना चाहिए आई टैट के पास अगर जाना है तो टैक्स इफेक्ट होना चाहिए बोर देन रुपीज फिफ्टी लैक्स हाई कोर्ट तो टैक्स इफेक्ट होना चाहिए बोर्ड देन रुपीज वन करोड़ और सुप्रीम कोर्ट टैक्स इफेक्ट होना चाहिए बोर्ड रुपीज टू करोड़ अगर डिपार्टमेंट फाइल करना चाहती है तो उसी तरीके से सूत्र अगर ये एसएससी को वाले अभी एक नया फॉर्म है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में अगर एसएससी को जाना है ये जो फराइसा 2021 का जो आया है उस पे जो क्राइटेरिया है ध्यान रखना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर्म में जाना है तो फिर उस केस पे सूत्र उसको क्राइटेरिया क्या है कि इसकी जो आरओआई बे जो इनकम होगी आर ओ आई में जो टोटल इनकम है आर ओ आई में टोटल इनकम होनी चाहिए दैट शुड बी अप टू रुपीज फिफ्टी लैक्स प्लस प्लस व्हाट तो आर ओ आई में जो टोटल इनकम होनी चाहिए शुड बी अप टू रुपीज फिफ्टी लैक्स प्लस इसके अलावा बताइए क्या बताइए जनाब इसके अलावा टैक्स एडजस्टेंड बाय एओ एओ, वो अप टू होना चाहिए टेन लैक्स तक उसके ऊपर नहीं टेन लैक्स लिखा है स्टूडेंट्स उसके ऊपर नहीं और ये एन है स्टूडेंट्स ये फी वाला केस है फी किसके लिए ये डबल ए आर में फी क्या होगा और ये ट्राइब्यूनल में फीस क्या होगी ये अल्टीमेटली बात होगी तो आपको ये स्टूडेंट्स ये होमवर्क ये कर लेना ये चार्ट मैंने स्टूडेंट्स डाल के रखा हुआ है <coughs> ऐसे जैसे कि आपको आइडिया होगा इस केस में ये चार्ट मैंने पे पे टेलीग्राम चैनल पर डाल के रखा हुआ है सी दुर्गेश सिंह स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा जैसे कि मान मैं ये और ये मैंने डाला है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अप्रैल को तो जैसे कि अगर आप ट्राइब्यूनल की बात करोगे तो एस टोटल इनका ये लिख दो यहाँ पे ये तो डबल ए आर का तो आप निकाल ही लोगे ये लिख दो कि एस टोटल इनकम होगा अपटू वन लाख तो ट्राइब्यूनल की फीस आया था फिर ट्राइब्यूनल की फीस होगी फाइव हंड्रेड और वही ग्रेटर देन रुपीज वन लाख लेकिन लेस देन रुपीज टू लाख तो रुपीज फिफ्टी हंड्रेड होगा और अगर मोर देन रुपीज टू लाख होगा तो फिफ्टी हंड्रेड है पंद्रह सो वन परसेंट ऑफ दब्जेक्ट टू मैक्सिम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीजेंड दो लाख के ऊपर अगर ऐसा टोटल इनकम अगर है तो मैक्सिमम कितना होगा दस हजार का इस केस के एआर का हो वक है तो आप लोग वो कर लेना टेबल अल्टीमेटली आप लोग ये निकाल सकते हो चलिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है अब आप लोगों का पूरा का पूरा ये मैंने कंप्लीट करवा दिया और अब फ्रेंड्स एक क्विक अराउंड अनाउंसमेंट बैक करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए फ्रेंड्स अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो बीस परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है आज उसका लास्ट डेट है अब बोले सर ये तो ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट है नहीं थर्टी तक तो हो चुका है तो आज थर्टी अप्रैल है बिग द लास्ट डे स्टूडेंट्स डिस्काउंट आप लोग ले सकते हो आप अपने फ्रेंड को कम्युनिकेट कर लीजिएगा लेकिन डिस्काउंट ये बीस परसेंट लेने के लिए उनको ये कोड सी ए डी एस डालना पड़ेगा स्टूडेंट्स तब जाके ये डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन एज लो एस थ्री मंथ से चलती है टिल थर्टी सिक्स मंथ्स तो जिनका नवंबर का भी अटैम्प्ट मान के चलो नवंबर 2022 और मई भी उसका एक ग्रुप बाकी भी अगर होगा ठीक है सॉरी एक ग्रुप बाकी होगा या एक पेपर भी बाकी होगा ये सीधा ये अल्टीमेटली सब्सक्राइब कर ले और उसको ये कोड सी का मिल जाएगा उसको रेफरल कोड डालना पड़ेगा बीस परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा स्टूडेंट्स आज ही स्टूडेंट्स आप लोग बता दें अपने दोस्तों को जो जिनका अटैम्प्ट नवम्बर बाईस मई तेईस नवम्बर तेईस मई चौबीस जो भी है सब लोग इसका बेनिफिट ले बट ओनली CADS. तो चलिए स्टूडेंट्स मुलाकात करते हैं सी यू दैट स्टूडेंट्स टेक केयर